वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों पर महानगर के विभिन्न थानों में अपराधियों की धरपकड़ और अवैध शराब एवं नशे को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आज थाना सिविल लाइन पुलिस फकीरपुर चौकी के पास आदर्श कॉलोनी में पुलिस द्वारा दबिश देकर राखी पत्नी सुशील कुमार को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तलाशी ली तो महिला के पास से 70,000 रुपए भी बरामद किए, जो उसने स्मैक बेचकर इकट्ठे किए थे। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि एक पुड़िया 200 रुपए की बेचा करती थी और ज्यादातर युवा वर्ग ही उसे यह पुड़िया खरीदा करते थे। पुलिस ने बताया कि बरामद स्मैक की कीमत बाजार में हजारों रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक 15 से 16 साल के युवा इस नशे की लत को अपनाए हुए थे। कई दिनों से इस क्षेत्र में युवाओं का आना जाना लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि बरेली, फतेहगंज और बाराबंकी से इसमें दलालों द्वारा लाई जाती है। अब इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल है ये तो पुलिस की जाँच में ही पता चल पाएगा। पुलिस इस ओर जाँच कर रही है। ये थाना सिविल लाइन ने जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में जो यहाँ पे नशा और स्मैक और ये जो अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए एक जो यहाँ पे स्मैक आदर्श कॉलोनी में बेचा जा रहा था, तो वहाँ पे चौकी फकीरपुरा ने दबिश दी और राखी पत्नी सुशील कुमार, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उसको गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 ग्राम स्मैक और स्मैक बेच के कमाए हुए लगभग 70,000 रुपये बरामद किए हैं। और यह जो पैसे हैं ये लगभग पुड़िया बना के जो स्मैक होती है उसकी 80 mg की एक पुड़िया, ये बताया है महिला ने कि 200 रुपये की ये बेचते थे। और यहाँ पे कॉलोनी में कई नई उम्र के लड़के आते थे जिनको ये बेचा करती थी और लगभग इस स्मैक की कीमत मार्केट में लगभग 12,500 रुपये है। और इसने बताया कि इस तरीके से पूर्व में भी बेचती आई है, जिसकी वजह से इसने 70,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। और इस तरीके की कार्रवाई से आगे भी निरंतर ये कार्रवाई होती रहेंगी। इनसे जो स्मैक का ये जो यूथ पर असर पड़ रहा है उस पर हम रोकथाम लगाएंगे और इसका जो भी यहाँ पे चल रहा है स्मैक का कारोबार उस पर अंकुश लगाएंगे। स्मैक का ये बताया गया है कि यहाँ पे जो बरेली से फतेहगंज और बाराबंकी से यहाँ पे स्मैक का यहाँ पे लोकल इनके सप्लाई हुआ करती थी। अब ये कौन यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और इस पर प्रभावी कार्य करते हुए पूरा नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। सर, ये महिला अकेली थी या इसके परिवार से भी कुछ लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे? यह जब दबिश दी गई तब यह महिला वहाँ पर बेचती हुई पाई गई थी और मौके से ही बरामद हुआ था। और यह अभी पूरा इस तरह से जानकारी की जा रही है कि इसमें और भी कोई इसके परिवार के सदस्य हैं या नहीं है, उसके आधार पर आगे भी जो भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको भी छात्रों को भी लगता है? हाँ, ऐसा पता चला है कि इनके पास ये लगभग 15-16 साल की उम्र के से लेके 20-25 साल तक की उम्र के लड़के जो हैं ये आते थे और इनको ये स्मैक बेचा करती हैं। तो छात्रों के बीच में कैसे नेटवर्क बना है, क्या कुछ ऐसा पता लगा है? इसके बारे में जैसे माउथ टू माउथ होता है कई बार कि जैसे साथी एक साथी दूसरे को बता रहा है, इस तरीके से ये लत फैली है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे कोई और भी किसी तरीके का या सोशल मीडिया का इसका कोई इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी हम जानकारी कर रहे हैं और जानकारी करके इस पर भी हम आगे कार्य करते हैं। सर, महिला के पीछे कोई पुरुष का हाथ हो जो इसको आगे करता हो, महिला को खुद पीछे रहता हो, इस तरह का कोई मामला सामने आता? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, पर पूछताछ में जैसे अभी तक ये चीज़ निकल के नहीं आई है। ये इसका नहीं कहना है कि ये स्वयं बेच रही थी, पर बाकी चीज़ें जैसे इसके जो पति है उसका क्या रोल है, उसके बारे में अभी आगे जानकारी की जाएगी और उस पर भी देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।